नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। अभी कुछ वक्त पहले ही हरियाणा सरकार ने राज्य में गिरते पानी स्तर को देखते हुए धान की फसल पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए देने की योजना का ऐलान किया था, जिसके चलते अब तक थानेसर ब्लॉक के 1400 किसान आगे आए हैं। इन किसानों ने 2900 एकड़ में मक्का लगाने के लिए पंजीकरण कराया है। इस योजना के अनुसार किसान अब 10 जून तक पंजीकरण करवा सकेंगे। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जल ही जीवन है योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पीने के पानी को बचाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की चिंता को दूर करने की तरफ भी कदम बढ़ाया गया है। आने वाले वक्त में पीने के पानी के कई दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा एक पहल की गई है। दरअसल इन तमाम मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब फसल विविधीकरण के तहत कम पानी वाली खेती को अपनाने के लिए किसानों को जागरूक करने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से मक्का की फसल को अपनाने के लिए किसानों को जागरूक करने की ये एक ऐतिहासिक शुरुआत है। हालांकि मुख्यमंत्री की इस अनूठी योजना को बेशक छोटे स्तर पर शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये पहल ऐतिहासिक साबित हो सकती है। इस योजना के तहत किसानों को मक्के का बीज मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की किश्त भी सरकार द्वारा भरी जाएगी। किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि भी जमा करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें 200 रुपए की राशि पंजीकरण के साथ और 1800 रुपए की राशि फसल अपनाने पर अगस्त महीने तक किसानों के खातों में जमा करवा दी जाएगी। हालांकि इससे पानी बिजली की बचत होने के साथ साथ किसानों की आय में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। शायद ये बात आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की नीमच कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की टॉप 10 मंडियों में शामिल है, लेकिन खास बात ये है कि अब जल्द ही ये मंडी देश की 5 सबसे बड़ी मंडियों में शामिल होने जा रही है। दरअसल देश के आयुष मंत्रालय ने 5 मंडियों को विकसित करने के लिए नीमच मंडी को चुना है, जहां पर एक प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये औषधीय मंडी डुंगलावदा चंदेरा में विकसित की जाएगी, जिसे विकसित करने का जिम्मा पूरी तरह से सरकार का है। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की नीमच मंडी औषधीय जींसों में पहले स्थान पर है। कृषि उपज मंडी नीमच में 34 तरह की अलग अलग जींसें बिकने आती हैं, जिसके चलते ही औषधीय जींसों की बिक्री के साथ आयुष मंत्रालय में नीमच मंडी को भी शामिल किया है। हालांकि नीमच की इस मंडी में औषधीय फसलें बड़ी मात्रा में आती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यहां औषधीय जींसों की आधुनिक मंडी को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। गौरतलब है कि नीमच मंडी के लिए प्रशासन की ओर से प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि इस योजना को साकार रूप दिया जा सके। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपना पद बनाए रखना तो हर राजनेता की पहचान होता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाकर किसानों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की थी, वैसे ही अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड के सीएम रघुवर दास ने भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार की पीएम किसान योजना की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना की राशि का दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और साथ ही ऐसी खबरें भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झारखंड दौरे के दौरान खुद इस योजना की पहली किस्त जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार सीधे 52 लाख से अधिक किसानों के खाते में राशि भेजेगी। जाहिर है 52 लाख परिवारों को जब सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा तो राजनीतिक हित भी सधेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार 2000 करोड़ की राशि 2 किश्तों में जारी कर सकती है। हालांकि 1000 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की जा चुकी है और हो सकता है कि 20 से 25 जून के बीच किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी, तो वहीं इस योजना की दूसरी किश्त दुर्गा पूजा के बाद जारी होगी। गौरतलब है कि दूसरी किश्त जारी होने के तुरंत बाद ही विधानसभा की अधिसूचना जारी होने की बात कही जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि सामने चुनाव होंगे और इन चुनावों में किसानों का झुकाव एनडीए के पक्ष में हो सकता है। हालांकि साफ तौर पर इस योजना का उद्देश्य किसानों की खेती की लागत को कम कर उनकी आय को दोगुना करना है। किसानों के खाते में जो सीधे राशि भेजी जाएगी उससे वो बीज, कीटनाशक और खेती के लिए इस्तेमाल में ला सकेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपए देने का फैसला लिया गया है। ये राशि अधिकतम 5 एकड़ के लिए दी जाएगी।
मतलब देखा जाए तो इस योजना के तहत 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। तो दोस्तों, किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।